रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा है कि रूसी सैनिकों के बीच एक जारी प्रचार अभियान चल रहा है, जो कि इस विचार को लागू करने की कोशिश कर रहा है कि चल रहे युद्ध को 9 मई तक समाप्त कर देना चाहिए। साल 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के उपलक्ष में रूस 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाता है। यह हर साल एक सैन्य परेड के साथ मनाया जाता है, जो पिछले कुछ सालों से और अधिक भव्य हो गया है। यूक्रेन का प्रावधान ने बताया कि जनरल स्टाफ ने उल्लेख किया है, महत्वपूर्ण नुकसान और कर्मियों के मनोबल के बावजूद रूसी सैन्य और राजनीतिक अधिकारी अभी भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने की संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं। युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए रूसी सैनिक कब्जे वाले शांतिपूर्ण शहरों और गांवों के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। ये बताया गया है कि सीमा के पास यूक्रेन के साथ सीमा के रूसी हिस्से में स्थित अधिकांश चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर रूसी सैनिकों के घायल सैनिकों का कब्जा है। जनरल स्टाफ ने कहा कि रूसी सैनिक भी अपने हवाई सैनिकों की लड़ाकू क्षमताओं को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बताया कि यूक्रेनी सैनिकों ने गुरुवार को 12 रूसी टैंक, लगभग 20 सैन्य उपकरण, 9 आर्टिलरी सिस्टम को नष्ट कर दिया, जबकि 200 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन में युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना कई तरह की मनोबल चुनौतियों से जूझ रही है। एक पश्चिमी अधिकारी ने शुक्रवार को दावा किया कि एक रूसी कर्नल को उनके साथ ही सैनिकों ने टैंक से कुचल कर मार दिया। उन्होंने कहा कि विद्रोही सैनिकों ने अपने कमांडर 37वीं मोटर राइफल ब्रिगेड के यूरी मेदवेदेव पर जानबूझकर टैंक चढ़ा दिया। हफ्ते की शुरुआत में वे घायल हालात में बेलारूस से एक अस्पताल ले जाए गए, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि गंभीर चोटों के चलते उनकी मौत हो गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।